यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर गूगल कैमरा 8.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है। इस जीकैम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर 4K 60fps का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। EIS OIS का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ। यहाँ पर फोटो एक्सपर्ट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इवन पोर्ट्रेट मोड के साथ आप जो है HDR एनहांस मोड के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के बारे में। इस जीकैम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक्सपोजर है उसे आप जो एडजस्ट कर सकते हो। प्लस जो HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम है उसे भी इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर HDR में जो है 50 फ्रेम तक इंक्रीज कर सकते हो। प्लस ऑटो फ्रेम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है अगर आप HDR एनहांस मोड के साथ जो है फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो। बाकी यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहे उसके हिसाब से आप जो है ऑटो वाइट बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको कोई भी ग्रीन डिन का इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रॉ सेटिंग्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, तो नॉइस मॉडल के साथ बेसिकली अगर आपके डिवाइस के ऊपर फोटो को क्लिक करने के दौरान अगर फोटो में ज़्यादा नॉइज देखने को मिल रहा है तो आप जो है नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर नॉइस मॉडल में जाके आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उसे सिलेक्ट करना होगा। प्लस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर पिक्सल 4 XL, पिक्सल 5, पिक्सल 6 का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो यूजर इंटरफेस है उसे भी सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है, पर फोकस स्लाइडर, मैनुअल फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो है एडवांस ऑप्शन के साथ जो है HDR कंट्रोल का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस जीकैम के साथ HDR कंट्रोल का जो ऑप्शन है इनेबल नहीं है, अलग से आपको इनेबल करना होगा। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इसे भी हमने इनेबल किया है। HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। इस गूगल कैमरे के साथ आप जो है 64 मेगापिक्सल तक जो है फोटो को, मतलब 64x तक मैक्सिमम जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इनेबल करने का ऑप्शन है, इंक्रीज करने का ऑप्शन है। 64x तक जूम को इंक्रीज कर सकते हो। 16:9 रेजोल्यूशन को फिक्स करने का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होते हैं उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है ऑटो नाइट विजन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इसे भी चेकआउट करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से जो है पर जूम कर सकते हो, 64x तक जूम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर 30x, यहाँ पर 40, 48, 50 एंड 64x तक जूम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर अगर आप 64x तक जूम करोगे तो कुछ इस तरह से ग्रीन लाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 40 के आसपास जिस तरह से यहाँ पर जूम कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर आपके डिवाइस के ऊपर जो हार्डवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस तरह से आपको जो है लाइन देखने को मिल सकता है। एंड वीडियो के साथ जो है 8x तक जूम का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है 53.3x तक जूम का ऑप्शन है। नाइट साइड मोड के साथ जो है 64x तक जूम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो है कैमरा फोटो रेजुलेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। सेफ सेल्फी साइज प्रीव्यू का ऑप्शन है। मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस फोकस लॉक का ऑप्शन है। हाइलाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। GPG क्वालिटी को यह सब इंक्रीज कर सकते हो। DCI-P3 कलर फॉर्मेट का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। EIS OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ऑडियो जूम का ऑप्शन है। वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान जूम करने के बाद बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। प्लस अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर स्लो मोशन को फिक्स करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। टाइम लैप्स, स्लो मोशन एंड वीडियो के ऊपर बिट रेट का इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करोगे तो वीडियो के साथ जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस एंड अलग अलग लेंस को एनेबल कर सकते हो। हमने सभी लेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर एनेबल किया है। प्लस
यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर लाइव फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर गूगल कैमरे के साथ जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर सेव लोकेशन, कैमरा साउंड, गूगल लेंस सजेशन, सोशल शेयर का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो। गेशेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन को आप एज ए शटर बटन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, प्लस जूम के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस डबल टैप का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, कैमरा को स्विच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो कितने मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाय द वे ये जो गूगल कैमरा का जो अपडेट है एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 के साथ भी काम कर जाएगा। नाउ जल्दी से कुछ फोटोज को क्लिक करते देखते किस तरह से यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट किया है, मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है, लाइव फोटोज का जो ऑप्शन है डिसेबल कर दिया है, प्लस जो रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर डिसेबल किया है, HDR मोड का जो ऑप्शन है एनेबल है। तो यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, काफ़ी फास्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, टैप टू फोकस का ऑप्शन है। इसके साथ जो है ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो जल्दी से मल्टीपल फोटो क्लिक करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर काफ़ी फास्ट फोटोज को क्लिक कर सकते हो, शटर स्पीड जो है काफ़ी बढ़िया है। और भी कुछ फोटोज को क्लिक करते जल्दी से, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी फास्ट हम यहाँ पर फोटो क्लिक कर पा रहे, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, एंड यहाँ पर HDR एनहांस मोड को भी एनेबल करते हैं। यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ भी कुछ फोटोज को क्लिक करके देखते हैं, एंड HDR एनहांस मोड के साथ जो है मल्टीपल फ्रेम के साथ जो है फोटो क्लिक होता है, इसलिए फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा HDR एनहांस मोड के साथ, एंड हम मल्टीपल लेंस के साथ जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं, मल्टीपल एंगल से फोटो क्लिक कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक जो है क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा फोटो के ऊपर, डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है, ब्राइट इमेज देखने को मिलेगा, HDR मोड काम कर जाएगा। यहाँ पर फोटो सैंपल कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस गूगल कैमरे के साथ। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।